अलग सर, माय नेम इज वंशिका जैन। जैसा कि आपने कंपटीशन वाले चैनल पे डाला था कि अगर हम लोग आपको ज्वाइन करना चाहें, उसमें आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म था, उसमें था कि आप अपना एक डेमो लेक्चर भेजिए। तो आज ही मेरा डेमो लेक्चर है जिसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ाना चाहती हूँ और आज मैं पढ़ाऊंगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोब। देखिए, अगर हम लोग बात करें व्हाट इज ग्लोब, तो ग्लोब इज अ रेप्लिका ऑफ अर्थ। हम लोगों ने क्या किया, अर्थ क्या है, अर्थ हमारा प्लैनेट है। हम लोगों ने इतने बड़े अर्थ को एक छोटे से मिनिएचर में बनाया है, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब देखिए, ग्लोब भी कुछ क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस, उसकी एक्सिस क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वही क्या होंगे हमारे अर्थ में भी अप्लाई होंगे कि अर्थ की एक्सिस क्या है, राइट। अर्थ का लैटिट्यूड्स कैसे हैं, अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स कैसे हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा जानेंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, राइट। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें व्हाट इज द एक्सिस ऑफ आर अर्थ, देखिए हम लोग कैसे पढ़ाई करें कि हमें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे। आई हैव अ टू टूथपिक्स और मेरे पास ये क्या है, एक टमाटर है। इसकी मदद से आज हम लोग देखिए कैसे समझेंगे कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ आर अर्थ। फॉर एग्जांपल, आप इसे कंसीडर करिए कि ये आपका एक अर्थ है जिसका शेप क्या होता है, जियोइड होता है, राइट। अब देखिए, मैंने क्या किया, नॉर्मली सबसे पहले एक्सिस क्या होता है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या हो, सेंटर से पास हो। ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से पास होने वाली क्या होगी, ये इसकी एक्सिस होगी, राइट। ये क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी। लेकिन अर्थ की जो एक्सिस है वो सेंटर से पास नहीं होती है, अर्थ की जो आपकी एक्सिस है वो क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है ये अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात दिमाग में याद रखिए कि अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो कैसी है, वो टिल्टेड है, राइट। टिल्टेड मतलब, तो अर्थ की एक्सिस क्या है, अर्थ की एक्सिस आपकी क्या है, ये है। अर्थ जो है आपके इस लाइन के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये बात आपको समझ में आओगी विद द हेल्प ऑफ टमाटो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, राइट। तो क्या है हमारी अर्थ की एक्सिस, ये है हमारा अर्थ। अर्थ की एक्सिस ऐसी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है, वो टिल्टेड है। कितने डिग्री पे, इस चीज को हमेशा याद रखिए, 23.5 डिग्री पे हमारी अर्थ की एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सिस का कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमारी एक्सिस हमें पता चल गई कि ये क्या है, अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या है, वो टिल्टेड है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या है, ये है हमारा साउथ पोल। ये क्या है, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। अब देखिए, अर्थ की टिल्टेशन की वजह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीजंस। सबसे पहला फिनोमिना जो हमारी रियल लाइफ में भी होता है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सीजन। क्या होते हैं सीजन, होते हैं विंटर सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, समर सीजन होता है। ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ सन की रेज। जितनी हमारी सन की रेज जिस तरीके से हमारे अर्थ पे पड़ती है, उसी हिसाब से सीजन आते हैं। कड़ी धूप है तो क्या है, समर्स है। कम धूप है, इसका मतलब क्या है, विंटर्स है, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे बढ़े, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो लेट अस अंडरस्टैंड वेरी सिंपली कि भाई रियल लाइफ में हमारा कौन सा एग्जांपल है जो कि परफेक्ट एग्जांपल है किसका, लॉन्गिट्यूड का। तो देखिए, ये आप ऑरेंज देख रहे होंगे, ऑरेंज के जो हमारे पीसेस हैं, फॉर एग्जांपल इसको कुछ देर के लिए अर्थ मानिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ में क्या होंगे हमारे, क्या लॉन्गिट्यूड्स, तो देखिए अगर हम लोग इसकी, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और अर्थ का एक पीस निकाले कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है, ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूड। किसका एग्जांपल है ये, आपके लॉन्गिट्यूड का। तो लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइंस हो गई, जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुए और साउथ पोल तक जाए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। या फिर ऐसे अगर आपको और ढंग से समझ रहे हो, तो लॉन्ग लॉन्ग क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है, हमारा ऑरेंज के जो पीसेस होते हैं, ये हम लोग ने इसको क्या माना है, अर्थ माना है। और अर्थ की अगर हम लोग
एक पीस निकाले इस तरीके से, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपके लॉन्गिट्यूड का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो लाइंस कैसी चले, लॉन्ग लॉन्ग चले, कुछ इस तरीके से चले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। अब हम लोग समझते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। अब रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है? फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस अनियन एंड आई हैव दिस नाइफ, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लैटिट्यूड, राइट? अब देखिए, अगर मैंने क्या किया, प्याज लिया, इसको बीच से काटा, ठीक है, और अगर हम लोग ये अर्थ मानिएगा इसको कुछ देर के लिए, ये प्याज नहीं ये अर्थ है, इसको ऐसा मानिए, मैंने इसको कट किया, और अगर आप अर्थ को ऐसे देखोगे सर्कुलर वे में, तो ये किसका एग्जांपल है? ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका? लैटिट्यूड का। प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये आपके रियल लाइफ से भी रिलेट होते हैं। व्हेन एवर यू ईटिंग अ अनियन, यू ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप अनियन को सर्कुलर वे में काटोगे, ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है लैटिट्यूड का, ठीक है। और अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो ये किसका एग्जाम्पल है? परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। अब देखिए क्या बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, जो क्या करे, हमारे अर्थ में लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड, राइट। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इक्वेटर की। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर वो लाइन होती है जो हमारे अर्थ से, और हाँ एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन, प्लीज नोट इट डाउन, ऐसी कोई लाइंस नहीं होती है, ये कैसी है? इमेजिनरी है। ये कैसी लाइंस है? ये हमारी सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, जो कि हम लोगों ने अर्थ में ड्रॉ, या फिर अर्थ में जो हम लोगों ने इमेजिन करी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं इक्वेटर की। देखिए, अब जिस अनियन को हम लोगों ने क्या किया था, अर्थ माना था, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी का एग्जाम्पल वापस लेते हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, ये जो अनियन है इसको सेंटर से कट करें, क्या करें, सेंटर से करें, तो ये क्या होगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। जो इसका ऊपर का पार्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर हमारा कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल होता है, तो ये क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके पास ये क्या है? साउथ पोल। तो ये क्या हो गया? हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। सो आई होप यू ऑल गेट ऑल दिस कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से अर्थ की एक्सेस के बारे में बताया, जिसको मैंने एक टमाटर के उससे समझाया, फिर हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन विच इज अ लॉन्गिट्यूड उसको हम लोगों ने ऑरेंज से समझा, कि जो ऑरेंज का जो, अगर उसको हम लोग अर्थ की तरह कंसीडर करें, जो ऑरेंज के पीसेस होते हैं, जो उसकी कलियां होती हैं, वो किसका परफेक्ट एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूड का एग्जांपल है। और लैटिट्यूड का जो एग्जांपल है हम लोगों ने अनियन से समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट माई डेमो लेक्चर। और अगर आप लोग चाहें कि मैं एक सिविक्स का, हिस्ट्री का, मेरा जो एप्लीकेशन है वो मैंने 6th to 10th सोशल साइंस के लिए डाला है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप एक सबका एक एक सेपरेट वीडियो भी डाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस फॉर अलग सर। अलग सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं अलग सर की स्टूडेंट भी रही हूँ, इन 11th and 12th मैंने उनसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है। आई एम सो हैप्पी अलग सर को यहाँ देखते हुए। अलग सर बहुत सारे बच्चों का साथ दे भी रहे हैं, वो बच्चे भी उनका साथ दें। थैंक यू सो मच।